अंतर्राष्ट्रीय ख्याति के प्राप्त पुष्कर होली महोत्सव के 3 दिवसीय कार्यक्रम की शुरुआत शनिवार को विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में फाग महोत्सव के साथ हो गई। होली महोत्सव के शुभारंभ पर राजस्थान प्रबंधन समिति द्वारा विश्व प्रसिद्ध ब्रह्मा मंदिर में भव्य फाग महोत्सव का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला कलेक्टर और स्थायी श्री ब्रह्मा मंदिर प्रबंधन कमेटी की अध्यक्ष डॉक्टर भारती दीक्षित ने कलाकारों को मालोद दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। इस दौरान कलाकारों ने एक से बढ़कर एक प्रस्तुति दी। कार्यक्रम के अंत में मंदिर प्रबंधन द्वारा श्रद्धालुओं को प्रसाद का वितरण किया गया। अजमेर से उत्तराखंड के चार धाम यात्रा का पहला ग्रुप 9 मई 2024 को प्रस्थान होगा, जिसमें केदारनाथ के दर्शन के लिए हेलीकॉप्टर की व्यवस्था एवं होटल में रूम की व्यवस्था, शुद्ध शाकाहारी भोजन एवं एसी बस की व्यवस्था के साथ आर के यात्रा कंपनी पैकेज दे रही है। संपर्क करें सोनी जी की नसिया, आगरा गेट, अजमेर, या स्क्रीन पर दिए गए नंबर से यात्रा की। आज जगह पिता श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में भव्य फाग महोत्सव रखा गया। जैसा कि सभी को विदित है कि होली महोत्सव बहुत प्रसिद्ध है, पुष्कर की होली बहुत प्रसिद्ध है, देश विदेश से सब आते हैं। इसी उपलक्ष्य में जगह पिता श्री ब्रह्मा मंदिर पुष्कर में आज भव्य फाग महोत्सव का आयोजन रखा गया तथा जगत पिता श्री ब्रह्मा जी गायत्री माता जी का प्रातःकाल विशेष श्रृंगार पूजा अभिषेक करके और फूलडोल सजा के ब्रह्मा जी का विशेष झांकी सजाई गई। इसी के साथ ही ठाकुर जी श्रीनाथ जी का भी विशेष श्रृंगार किया गया तथा मंदिर में प्रांगण में 1100 किलो पुष्पों से होली खेली गई और होली के गीत तथा फादी के गीत करके ठाकुर जी के रिझाया गया तथा वृंदावन के कलाकारों द्वारा भव्य रास जिसमें राधा कृष्ण की लीला प्रस्तुति की गई तथा नृत्य प्रस्तुत किया गया तथा सभी भक्तों को प्रसाद वितरित किया गया।